ये हमारा कोल्ड चेन पॉइंट है, यहाँ से सारी वैक्सीन रिगार्डिंगली जो अलॉटेड सेंटर्स हैं वहाँ हम पहुँचाएंगे। बेनिफिशरीज 25 जो अलॉटेड हुए हैं उनको मैसेज पहुँच चुका है, वो अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पहुँच जाएंगे, और यहाँ से एंटर होते ही उनको हैंड सैनिटाइज करके उनका वेरिफिकेशन करके एंटर होने देंगे। उसके बाद यहाँ वेटिंग रूम है जहाँ उनको बिठाया जाएगा विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेथड्स। आफ्टर दैट उनका वैक्सीनेशन होगा, वहाँ उनका वेरिफिकेशन जो ऐप है हमारी कोविन के उसके अंदर उनका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन दे के उनको प्रॉपर हम ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाया जाएगा, और ऑब्जर्वेशन रूम में हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 30 मिनट्स का वेट वहाँ करवाना है, और फिर अकॉर्डिंगली अगर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं चेक करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ही हम उनको यहाँ से परमिशन देंगे यहाँ से निकलने की। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे जो दो सेंटर्स हैं अकॉर्डिंगली हमने दो हमारी कार्स हैं उसी के अंदर वैक्सीन कैरियर्स आए जाएंगे, आइस बॉक्स और कोल्ड बॉक्सेस हमारे जो होते हैं अकॉर्डिंगली वहीं से जाएंगे। वैक्सीन स्टोर बेसिकली यहाँ हमारे पास ILRs हैं और डीप फ्रीजर्स हैं जो टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है, वो टेम्परेचर के लिए हमने यहाँ ईवीएम मशीन्स है, अगर वो टेम्परेचर डाउन होता है तो हमारे पास मैसेज आ जाता है, अकॉर्डिंगली यहाँ मैनेज करते हैं हम लोग वैक्सीन के लिए। ये जो हमने जो एक्चुअल जो वैक्सीन है उससे पहले हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वी वॉन्ट टू एंश्योर के जो भी हमारा वैक्सीन जब लगे तो हम पूरे से तैयार हो, तो इसी वजह से ये ड्राई रन हो रहा है। तो उसमें लॉजिस्टिक्स से लेकर जो हमारा कोविन सॉफ्टवेयर है उससे लेकर जो फील्ड लेवल में ऑपरेशन इश्यूज हैं, तो ये ड्राई रन का एक ही मतलब है कि ऑपरेशंस में हमें कहाँ दिक्कत आ रही है तो जिसे हम अभी रेक्टिफाई कर ले कि जब एक्चुअल वैक्सीन हमें डालना इंट्रोड्यूस करना पड़े तो उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए ड्राई रन का हमका ये हमारा जो ये पर्पज़ है ये यहाँ तक ही है कि हम एक्चुअल जब वैक्सीन जो होगी उसमें उसको स्मूथली कैसे इंप्लीमेंट कर पाए उसके लिए एक पायलट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। अगर आप देखिए इंटरनेशनल भी जो भी वैक्सीन आता है तो जो लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट तक उसको -70 या -80 तक रखना पड़ता है, और जब आप एक्चुअल वैक्सीन देने जाएंगे तो किसी भी वैक्सीन को आपको 2 से 8 डिग्री में नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखना ही होगा, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल को जब आप वैक्सीन देंगे तो वो नॉर्मल 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के जो दायरे हैं उसी में देना चाहिए। तो अगर इंटरनेशनल भी जो भी वैक्सीन है उस सेम टेम्परेचर पर ही दिया जाता है, जो हमारे लिए ऑलरेडी रूटीन इंटरनेशनल में 2 से 8 डिग्री में सभी वैक्सीन को हम रखते ही हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वैक्सीन आएगा तो 2 से 8 डिग्री में ही लास्ट मोमेंट तक हमें देना है, तो वो हम जो हमारा वैक्सीन कैरियर है उसमें भी 2 से 8 डिग्री पर रखते हैं, और उसी में वो लास्ट जो माइल है लास्ट जो आउटरीच सेशन है वहां तक जाएगा, और उसमें से ही फिर हम वैक्सीन को निकाल कर उसको हम देंगे। तो कोल्ड चेन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लास्ट माइल तक हम 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में ही उसको मेंटेन करके अभी भी हमारा रूटीन वैक्सीन को भी रखते हैं, इस तरह उस वैक्सीन को भी रखा जाएगा।